हेलो गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जैसे कि ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाता हूँ, काफ़ी टाइम से ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाता हूँ, और आज ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है। अलग इसलिए क्योंकि काफ़ी बार आपने हमारे वीडियो देखे होंगे जिसमें ट्रैवलिंग ब्लॉग और ब्लॉगिंग का वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता है। आज मेरे को लगा इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए वो आपको लास्ट के वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। और ये काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है और उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भारत में 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा है और उसमें पूरे वर्ल्ड के हर टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, भाग ले रही है, यहाँ पर खेलने के लिए आई है। उसमें मेरे को एक चीज़ लगी, सबसे एक अलग चीज़ लगी कि भारत में जो टीमें खेलने के लिए आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक टीम खेलने के लिए पाकिस्तान, जो हमारे भारत के लोग कभी भी उसको दुश्मन या जो भी चीज़ हमारे रिलेशन नहीं है, कुछ भी चीज़ें भारत की टीम वहाँ पर खेलने भी नहीं जाती है, काफ़ी टाइम हो गया उसके बाद वहाँ पर खेलने के नहीं जाती है। और वहाँ के जो क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान के जो पीसीबी के जो चेयरमैन वगैरह जो भी हैं, भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। और जब भी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम आई है तो भारत की पब्लिक ने उसको बहुत सारी इज्जत दी, रिस्पेक्ट की, हर जगह उसका स्वागत किया गया। खास करके एक बात बोलूँ, जब पाकिस्तान हैदराबाद में खेल रहा था तो वहाँ हैदराबाद की पब्लिक ने, जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान के नारे गाते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे, जो आपने पुराने काफ़ी सारे वीडियो आपको फेसबुक यूट्यूब वगैरह पर देखने को मिल जाएंगे मेरी, ये सब चीज़ों से ठीक है, जो भी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब चीज़ें। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, आप उसको कितनी भी इज्जत दोगे ना, वो इज्जत अपना हजम नहीं कर सकता है, एक रियलिटी है। आप कहीं भी देखना, अफगानिस्तान की टीम है, एक रिस्पेक्ट, हम देखो हर देश की हम रिस्पेक्ट करते हैं, कभी हम लोग भारत की संस्कार ही नहीं है, भारत ये चीज़ मानता है, पूरा वर्ल्ड हमारा भाई है, पूरे वर्ल्ड के साथ अच्छे रिश्ते हैं, सब चीज़ें हम अच्छी करते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। उसके बाद मेरी सबसे ज़्यादा बीसीसीआई से एक चीज़ हुई, बीसीसीआई ने क्या किया, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था उस वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग मैच जो खेली गई उसमें ओपनिंग सेरेमनी जिसमें काफ़ी सेलिब्रिटी वगैरह जो भी आता है वो, क्योंकि वर्ल्ड पूरा देखता है उस चीज़ के लिए, वहाँ पर ओपनिंग मैच के लिए ये सब चीज़ें होती है। मगर भारत में 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम पूरे भारत को वर्ल्ड कप की मेज़बानी नहीं मिली थी, क्योंकि वो श्रीलंका में भी थे, काफ़ी अच्छे थोड़े बहुत देशों में थे, भारत को थोड़ी बहुत मैचें मिली थी कि उसकी मेज़बानी करने के लिए। उसके बाद का 2023 में भारत को संपूर्ण वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने को मिली है। संपूर्ण मेज़बानी जब भारत कर रहा है तो मेरा कहने का मतलब ये, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताना कमेंट करके ये मेरी बात सही है या गलत है, जो भी चीज़ें आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ओपनिंग मैच में ये सेरेमनी नहीं हुई, भारत पाकिस्तान का जो 14 तारीख को जो मैच चल रहा है वहाँ पर बॉलीवुड के काफ़ी नामी जैसे अमिताभ बच्चन साहब, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं और ओपनिंग सेरेमनी जैसा वहाँ पर माहौल बनाया गया है। और पूरे न्यूज़ चैनल हर जगह पर देखोगे भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, और रियलिटी ये है कि भारत के सामने पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप में टिक ही नहीं पाई है। और आज की रियलिटी भी ये है कि भारत के सामने वो जीत ही नहीं पाएंगे, मगर इतना माहौल बनाया गया है और बीसीसीआई की ओर से न्यूज़ चैनल हर जगह पर, ये देखो एक सबसे बड़ी स्कैम है, स्कैम बोलो या कुछ भी बोलो, कोई मैं ऐसा स्कैम वाला वर्ड यूज़ करना नहीं चाहता हूँ। एक चीज़ है, एक सबसे बड़ी चीज़ है, पैसे कमाने के लिए कुछ भी न्यूज़ चैनल हर जगह चल रहा है। और रियलिटी है भारत ये मैच जीत जाएगा, भारत को कभी भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में आज तक 7 बार आमना सामना हुआ है, कभी भी मैच नहीं हराया और ये भी मैच नहीं हराएगा। भारत वन साइडेड, मेरे हिसाब से तो वन साइडेड जीतेगा, और ज़्यादा क्योंकि पाकिस्तान ने 2-4 मैच अभी रिसेंटली कुछ अच्छे खेले हैं तो उसकी वजह से थोड़ा इतना माहौल भी बनता है, ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है। मैच भारत जीते, पाकिस्तान जीते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी होना हुआ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि भारत ही जीतेगा। और भारत के सामने हिटमैन रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभम गिल की भी एंट्री हो चुकी है और बुमराह भी काफ़ी अच्छी लय में है, तो ये सब चीज़ें होनी है। भारत वन साइडेड मैच जीतेगा, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है और ये सब चीज़ें। मगर मेरा कहने का मतलब है, जो भारत में पाकिस्तान खेलने के लिए आई है, पाकिस्तान को इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरने वाला है, हम कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, कुछ भी नहीं सुधरने वाला है, ठीक है, ये बात हो गई। और मेरा कहने का मतलब है, हम जो मेज़बानी कर रहे हैं, जो देश यहाँ पर खेलने के लिए आए, क्यों पाकिस्तान के अलावा भी और देश यहाँ पर खेलने के लिए आए, जो और देश खेलने के लिए आए हैं तो उसको भी बुरा लगेगा, रियलिटी है, क्योंकि आप 14-15 मैच खेल चुके हैं अभी तक वर्ल्ड के, 14-15 मैच हो चुके हैं, ठीक है, उसमें किसी भी देश को आपने पहली ओपनिंग दिन होता है उसमें ओपनिंग सेरेमनी होती है, वहाँ पर जो भी है गाना वाना ये सब चीज़ें होता है, ये सब चीज़ें होता है नहीं। मगर बीसीसीआई ने इस बार क्या किया, भारत वर्ल्ड के नंबर 1 स्टेडियम में,
क्योंकि वहां पर एक चीज है कि वहां सबसे ज्यादा कैपेसिटी है वर्ल्ड में, इतना कोई बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जितना बड़ा कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो उतना बड़ा स्टेडियम में और वो पूरा आज हाउसफुल होगा। और 14 तारीख के दिन वो टिकट भी नहीं मिल रही है, हर जगह वो आपको हाउसफुल ही दिखेगा और काफी लोग ये मैच देखने भी जाएंगे और पूरा माहौल जैसे बना रखा है पाकिस्तान पाकिस्तान भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान। और रियलिटी आप भी और मैं भी जानते हैं कि भारत के सामने पाकिस्तान कहीं भी टिकने वाली नहीं है और वो पक्का हारने वाली है, ठीक है। और ये दिन को इतना खास बनाने के लिए 14-15 मैच खेल जाने के बाद ये सरन नमीर पूरा रखा गया, जो आयोजन पहले दिन होता है, जो फर्स्ट मैच के दिन होता है, जैसे इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड वालों ने, इंग्लैंड में क्या हुआ था, जो वर्ल्ड कप की फर्स्ट मैच चल रही थी उसमें उन्होंने अपना ओपनिंग सेरेनमी रखी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2023 में उसकी मेजबानी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जो भी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये पहले दिन होना चाहिए, जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड की मैच हो रही थी तब ये चीज़ नहीं की, तो वो देशों को बुरा लगेगा क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी, उनका क्या रोल है। आप देखो जो भी चीज़ें, आप पूरा वर्ल्ड को, ये सब वर्ल्ड आपको देख रहा है, ये सब चीज़ें आप कर रहे हो। और देखो BCCI सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड है और सबसे ज़्यादा पैसा BCCI के पास है, ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छी बातें हैं। भारत में ये सब चीज़ें, भारत का देखो कहीं भी कुछ चीज़ हो तो ऐसी हो कि भारत, हमारे देश की कहीं भी जाओ वर्ल्ड में, कहीं भी ऐसी छवि बने कि नहीं भारत में इतना आयोजन हुआ 2023 का वर्ल्ड कप का, पूरा वर्ल्ड उसको देख रहा है, तो एक अच्छे मैसेज जाए, अच्छे मैसेज। क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत पाकिस्तान का मैच है, भारत जीतने वाला है, कोई दोहरा ही नहीं है इस चीज़ में, कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान कितने भी न्यूज़ चैनल पे कहीं भी आप देख लो, भारत क्रिकेट, भारत के पास जितने अच्छी गेंदबाजी और जितने अच्छे बल्लेबाज हैं, वो पाकिस्तान कभी भी वहां पर टिक नहीं पाएगी। और हाँ, लास्ट में 2 मैच अच्छी खेलने के बाद वो आई है, तो ये थोड़ा अच्छा खेलेंगे तो मैच अच्छा बनेगा, ये ठीक बात है। मगर मेरा लास्ट में आपको एक ही सवाल है कि ये भारत पाकिस्तान के मैच में इतना वर्ल्ड कप की मैच खेलने के बाद ये ओपनिंग सेरेनमी बॉलीवुड के महानायक जैसे अमिताभ बच्चन साहब, रजनीकांत और ये अरिजीत सिंह, ये वगैरह, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आके ये पूरा, अभी अहमदाबाद के अंदर पाकिस्तान की टीम जब आई तब उनका काफ़ी ऐसे म्यूजिक के साथ पूरा स्वागत किया गया, ये कहाँ तक। देखो हमारे पास और भी टीमें खेलने के लिए आई है, उनका भी हम देखो, हमारे लिए तो सभी टीम हमारे मेहमान हैं, हमारे देश में जो भी खेलने के लिए हमारे यहाँ पर आए तो हम उसको, क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जो ऊपर मेहमानों को भगवान का रूप मानते हैं, हमारे अतिथि हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो ये रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक ही देश के लिए इतना खास कोई, हमारे लिए पाकिस्तान इतनी कोई खास चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान को खास अलग तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बाकी देशों के साथ, ये चीज़ों नाइंसाफी जैसा होता है। मेरा बस आज का वीडियो कुछ अलग बनाने का यही मकसद था, मेरा जो ओपिनियन था मैंने आपको बताया, आपको आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइए ये कहाँ की जायज़ बात है या नाजायज़ बात है, क्योंकि मेरे को तो कभी भी ये सही नहीं लग रहा है। क्यों सही नहीं लग रहा, एक बात है, इतने सारे देश खेलने के लिए आए, भारत इतना बड़ा देश है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। देखो मैं कोई नेगेटिविटी और नफरत फैलाना नहीं चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब है हम लोगों को जो भी ओपनिंग सेरेनमी थी उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ हम यही कर सकते थे, ओपनिंग मैच में ये सब चीज़ें होती है तो ये अच्छी लगती है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।